अब देखते हैं। चलिए, क्या कहता है कि आगरा हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स ईस्ट ब्रांच अलवर, यानी अलवर का कोई ब्रांच है, इनवॉइस प्राइस क्या कहता है, कॉस्ट प्लस 50%। अगर कॉस्ट प्लस 50% है और बाकी डिटेल हमें किस पे दिख रहा है, इनवॉइस पे, तो 33.33% या 1/3 कह सकते हो उसको, है ना। ऑल कैश रिसीव बाय ब्रांच रेमिटेड टू आगरा, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अलवर ब्रांच, प्रिपेयर ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस तीन शब्दों से पता चल गया ये कौन सा सिस्टम है, स्टॉक डेटर सिस्टम। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, इससे भी पता चल गया कि ये स्टॉक डेटर, आपको कभी भी नहीं बताएगा कि ये डेटर सिस्टम है या स्टॉक डेटर सिस्टम, उसके रिक्वायरमेंट पे आपको पता चलेगा कि क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 66,000, तो मैं यहां लिख लेता हूं टू ओपनिंग स्टॉक, ये भी आईपी पे है तो हम सिंपल लिखते जा रहे हैं। इसके बाद डेटर दे रखा है तो डेटर अकाउंट में लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी, कितने 22,000। इसके बाद पेटी कैश का बैलेंस है तो हमें एक पेटी कैश का अकाउंट बना ले, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि पेटी कैश अकाउंट आपको बनाना है, या फिर माइनस प्लस करके कैलकुलेशन करके दिखा दो, ठीक है। तो इस पे अभी स्टार्ट लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 2,04,000, यहां आ जाएगा गुड्स सेंट, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू एचओ तो बाय साइड में आ जाएगा, गुड्स रिटर्न टू एचओ के बाद है यहां पे क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स कितने का है 80 और क्रेडिट 1,06,000 है ना, और क्रेडिट कितने का है 80 और क्रेडिट सेल्स तो एक डेटर में भी आएगा, टू क्रेडिट सेल्स कितने 80, आगे सेल्स रिटर्न है तो ये डेटर में भी जाएगा, सेल्स रिटर्न कितने रुपए हैं, और ये इसकी वजह से हमारा स्टॉक भी बढ़ जाता है, जैसे डेटर ने वापस किया तो सेल्स रिटर्न लास्ट क्लास में देखा था, बताया था, इसके ऊपर कोई लोडिंग वगैरह जनरली देख लेंगे, नहीं निकलता वैसे, सेलिंग प्राइस पे रिटर्न है तो निकालेंगे हम इस पर लोडिंग, ठीक है, अभी देखते हैं। अलाउंसेस टू कस्टमर, यानी कस्टमर को डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस से, ऑलरेडी एडजस्ट इन द इनवॉइस प्राइस, चलो इसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेंगे फिर डाल देंगे, हालांकि मैं लिख देता हूं कि यहां आ जाएगा हमारा बाय अलाउंस कह लो या डिस्काउंट कह लो, कितने रुपए हैं, ठीक है, इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहां आ जाएगा 93,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर इधर आ जाएगा, ये वाला डिस्काउंट अलग है, कितने रुपए हैं 2,400। एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस रेंट सैलरी, तो यहां तक हम ट्रेडिंग समझ लेते हैं इसको, इसके नीचे पी एंड एल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टू रेंट,
रेंट कितना है? 2400। एंड सैलरी दैट इज 24,000। और पेटी कैश अभी नहीं आएगा, इसकी तो कैलकुलेशन जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक है, $69,000। अब पेटी कैश को हम सर्कल कर लेते हैं। शुरू में इतना था, कितना? 500। और हमारे पास कहता है एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस कितने का हुआ? 2000 का। और क्लोजिंग में ये है। तो अगर मैं पेटी कैश की बात करूं, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है उसे लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो आएगा पेटी कैश, क्योंकि एक्सपेंस वाला हिस्सा क्वेश्चन खुद बता रहा है। अगर एक्सपेंस ना देके यहाँ पे ये लिखा होता कैश रिसीव या फिर पेटी कैश एक्सपेंस रिसीव, तो जो जब हम अकाउंट बनाते, यहाँ BD डाल देते हैं, यहाँ CD डाल देते हैं, यहाँ पे रिसीव डालते और यहाँ कंज्यूम निकलता, जबकि अब खुद बोल रहा है ये एक्सपेंस कंज्यूम है। तो ऐसे सिचुएशन हमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा पेटी कैश हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2000। यहां तक देखिए, बताइए, बस इसमें अलाउंसेस समझाना है। पेटी कैश समझ में आया? ठीक है। और अगर हम पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट बना भी लेते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा? देखो, क्योंकि देखो क्या क्या गिवन है, मैं यही बना देता हूं एक छोटा सा। कुछ बच्चे कहेंगे सर कभी बनाना है कभी नहीं बनाना, पता नहीं चल रहा था। टू बैलेंस BD पता चलता, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 500। पाई CD 100 रुपए। बाय एक्सपेंस कह लो, कंज्यूम कह लो, कितने? तो नाउ फाइनली हमारे पास जो नजर आएगा वो आएगा इधर की साइड, और वो कैश में जो HO से रिसीव किया होगा, तो 2100, 1600। अब इसका इस्तेमाल हमारा कहीं नहीं होता यहाँ पे, इस वाले अकाउंट में सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझे बात? चलिए अगला है, अलाउंसेस टू कस्टमर, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी एडजस्टेड इनवॉइस प्राइस। चलो एक चीज और रह गया, ये जो डिस्काउंट है ये यहाँ भी आ जाएगा, डिस्काउंट भूल गए थे, कितने का डिस्काउंट है? अलाउंसेस टू कस्टम, सॉरी कस्टम है ये, एक बार दिखाना, वो कस्टम है कस्टमर है, दिखाना। कस्टमर, अच्छा वहां गलत है, मिसप्रिंट है। चलो ठीक, देखो होता क्या है, जनरली ये मान लेते हैं ब्रांच है ना, एक हम ब्रांच कर लेते हैं, इमेजिन ये ब्रांच है, और ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है ना, अगर कुछ भी चीजें हम सेल्स करेंगे तो बाई साइड में जाएगा, ठीक है? कोई भी सेल्स करेंगे तो बाई साइड में जाएगा, चाहे कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो। अगर कोई सेल्स रिटर्न है ना, तो इसको हम टू साइड में सेल्स रिटर्न लिखने से होता क्या है, ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है,
इसलिए हमने पीछे वाले क्वेश्चन में टू साइड में लिखा है। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है? अब नाउ कुछ अलाउंसेस होता है, जैसे मान लेते हैं कि 1000 का सेल्स था और 1200 का सेल्स था, तो एक कस्टमर था उसने मुझसे जिद करके डिस्काउंट ले लिया 200 रुपए का, और अगर वो सेलिंग प्राइस में एडजस्ट कर दिया है तो इसका मतलब 200 का डिस्काउंट ले लिया, तो हमने वहां पे 1200 रिकॉर्ड ना करके कितना रिकॉर्ड किया होगा? 1000। यानी अब मैं बोलूंगा कि जो 200 रुपए का डिस्काउंट लिया है ऑलरेडी एडजस्टेड इन द सेलिंग प्राइस, क्या हो चुका है सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। यानी अगर वो कस्टमर जिद नहीं करता तो हमारे पास 200 रुपए का और ज्यादा सेल्स बढ़ के आता है ना। ये डेटर से नहीं है, समझो 200 रुपए और बढ़ के आता। इस वजह से मैंने यहां पे, चलो एक डेटर अकाउंट बना लेते हैं, यहां पे क्रेडिट सेल्स अगर जो मैं 1000 लिख रहा हूं, देखो वैसे तो डिस्काउंट जो कस्टमर को देते हैं वो तो डेटर में आना चाहिए, अगर मैं यहां पे 1200 लिखूं फिर मैं यहां डिस्काउंट लिखूं तो समझ में आता है कि 1000 आपने दिखाया। लेकिन अगर मैं यहां पे 1200 ना लिख के डायरेक्टली ही 1000 लिख दूं तो क्या मुझे फिर से 200 दिखाने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो एक तरफ से हमारा सेल कम हो गया, इसलिए हमने यहां पे क्या दिखा दिया, अलाउंसेस दिखा दिया बाई साइड में, डेट इज 200 रुपए का एक्स्ट्रा, तो हमारा सेल कंपनसेट हो गया। और डेटर में क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑलरेडी कहां से माइनस करा हुआ है, क्रेडिट सेल्स में से ऑलरेडी, या सेल्स जो वट एवर कह लो एडजस्टेड है, तो इसलिए हमने इसकी एंट्री कहां करी, सिर्फ मात्र एक जगह, और दैट इज कहां चले गया हमारा, ये रहा अलाउंसेस। समझ में आई बात आपको? तो एक तरीके से ये सेल्स का ही हिस्सा है, ये मानना है, ठीक है। चलिए अब लोडिंग निकालने का काम कर लें। अगर लोडिंग निकालने की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक पे, और आपने बोला 1/3 होगा, तो बाय साइड में स्टॉक रिजर्व और ओपनिंग स्टॉक पे 1/3 अगर इसका निकालते हैं तो 22,000 है ना। 1/3 कैसे होगा, मैंने टेबल लिखवाया था तो वहां पे आया था हमारा टेबल में 33, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, और इसको 1/3 भी बोला जा सकता है। जब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें रिजल्ट ये मिलता है, ठीक है। गुड सेंट पे भी निकाल ले, गुड सेंट पे कितने, 2/4 पे 1/3 करेंगे तो ये आ गया 68,000। यहां पे निकालेंगे किस पे, स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग पे, क्लोजिंग 69 है, 23,000। सर गुड्स रिटर्न पे भी निकल जाएगा जो एचओ को वापस किया है, कितने गुड्स रिटर्न, 6,000, तो डिवाइड 3, 2,000 आ गया, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग क्लोज कर देते हैं पहले इसको, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। एक लाख 6,000 देखिए, तो ये टोटल आए 27,273। सब माइनस करते हैं, यहां पे 3,000 निकल के आ रहा है। उस 3,000 को मैंने कहा इधर जब भी आंसर निकलेगा तो शॉर्टेज के नाम से डाले। अब सर ये शॉर्टेज क्या होता है, शॉर्टेज एक तरीके से जैसे कि हमारे पास गुड्स होता नहीं है और हम सेल्स में दिखा देते हैं गुड्स है नहीं। कई बार कस्टमर ने मेरे से फोन पे बात किया कि ये मिल जाएगा और मुझे पता ही नहीं है दुकान में
कि वो सामान है नहीं है। मैंने बोला हाँ ठीक है पैसे दे दो, तो उसने पैसे डाल भी दिए पेटीएम में, लेकिन एक्चुअल में तो वो सामान मेरे पास, उसको बोल देते हैं शॉर्टेज पड़ गया हमारा, ठीक है ना। और इसको एज एन एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करना है इसके अंदर। क्या ट्रीट करना है आपको? तो एबनॉर्मल लॉस है तो इसके ऊपर भी लोडिंग निकलेगा। और इसके ऊपर लोडिंग निकालोगे तो 1000 यहां जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है, एक पार्ट ऊपर आ जाता है और रिमेनिंग नीचे आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत, बाईस हजार, 68,000, 90,000। सर डेटर से कुछ निकाला नहीं है हमने ना, क्योंकि उससे कुछ जरूरत भी नहीं है। जीपी देखिए 64,000 आ रहा है, जीपी चेक करिए 62,000। और कुछ रह गया क्या? क्या 2,000 स्टॉक रिजर्व ले लिया इस पे। डेटर में से तो कुछ निकलेगा नहीं, कॉल उसको पूरा ले गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये नॉर्मल लॉस ऐसा ट्रीट करके यहां पे टू अलाउंसेस पूरा ले लेंगे। नॉर्मल लॉस को पूरा दिखाते हैं तो ये पूरा 2,000, ठीक है 2,000। चौबीस सौ, 24,000, 2,000, ये आ गया 29,200। टू चेक करिए 28, नहीं नहीं 62,000 माइनस 2,400, 24,000, अरे गलत टोटल कर दिया, 2,000, 2,400, 29,200। कुछ और रह गया क्या? सेल्स रिटर्न ले लिया, डिस्काउंट ले लिया, 400 रुपये का क्या रह गया? पेटी एक्सपेंस लिख लिया हमने, पेटी एक्सपेंस 2,000 है। हाँ 2,000 है, 2,400, 24,000, 100 रुपये, 400 यहाँ पे देखना। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, बुक में क्या है पेटी एक्सपेंस रिसीव लिख दो यहाँ तो बनेगा बात, ठीक है। पेटी एक्सपेंस अगर आप रिसीव लिखोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये 2,500, ये 2,500 और ये 2,400, अट्ठाईस 800।